इतना भाई बड़ा भाई सर भाई मात्र 5 मिनट में बनवा दूंगा। 5 मिनट क्या करना देगा भाई? तो भाई आज हमारे ट्रेनर है पिंकू भाई, तो हमारा जो भी पोस्चर गलत होगा वो पिंकू भाई हमारा ठीक। राम मेरे सही भाई, तो कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग बनाए और वर्कआउट की वीडियो बहुत दिन हो गए थे, 5-6 दिन हो गए कम से कम ब्लॉग डाले। तो आज हम ब्लॉग बनाएंगे, वर्कआउट भी करेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, सब दिखाऊंगा आज आपको। तो आज हमारे भाई है सुनील भाई, पता नहीं भाई को क्या हो गया, भाई ने थोड़ा सा प्री वर्कआउट क्या पी लिया, बोल रहा भाई तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, ये कर दिया। भाई कुछ नहीं करा, भाई को थोड़ा सा प्री वर्कआउट दिया है। अभी वर्कआउट करेंगे भाई का, देखते कैसे क्या हीट करेगा, प्री वर्कआउट नहीं करेगा। बोल रहा मुझे प्री वर्कआउट हीट नहीं करता, अभी पता लग जाएगा हीट करेगा नहीं करेगा। वैसे हम बैक का वर्कआउट करेंगे आज और प्रॉपर अपने आप से अपने आप का चैलेंज करेंगे, आप पूरा हैवी वर्कआउट करेंगे बैक का, उसके बाद दिखाते हैं आपको बैक का वर्कआउट। सेट हो गया, इसके बाद हम दूसरा हमने वार्म अप कर लिया, पुलअप्स कर लिया हमने, 3-4 सेट कर लिए पुलअप्स। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट लेग पुल डाउन, फ्रंट लेग पुल डाउन के लिए हम पहले सेट वार्म अप ही लेंगे। अब वार्म अप में देखते कितने रैप निकालेंगे, कम से कम 15-20 रैप हमें वार्म अप ही करने हैं। 2 3 3 8 भाई कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप करना जरूरी है, तो वार्म अप हमने कर लिया और फ्रंट लेग पुल डाउन का भी हमने वार्म अप कर लिया। इसके बाद हम पूरा हाई इंटेंस जाएंगे, जितना भी हमसे हैवी वेट लगेगा आज, थोड़ा सा मन है हैवी मारने का। तो आज देखते हैं क्या होगा क्या रिजल्ट में। 60 kg में स्टार्ट कर रहे हैं, तो 60 kg में हमें हमारा रैप रहेगा कम से कम 12 रैप हमें निकालने ही है 60 kg में। 4 5 6 8 10 11 12 बोला था, 15 रैप हमने निकाले हैं। इसके बाद हम वेट बढ़ाते जाएंगे और हैवी वेट तक जाएंगे आज। ये जितने सारी प्लेट दिख रही है ना सारी मार रही है आज। तो हमने 60 किलो के 12 से 15 रैप निकाल लिए थे, 15 रैप निकाले थे, तो अभी हम बढ़ाएंगे 15 किलो और वेट बढ़ाएंगे वेट इंक्रीज करने के लिए। 15 किलो का वेट इंक्रीज किया, हम पहुंच गए 75 पे। तो 75 पे अब देखेंगे कितने रैप निकलेंगे आज। भाई साहब पूरा हैवी मारना है लेकिन 1 3 4 5 6 7 75 किलो के 12 रैप निकले हैं। ये दोस्तों मजा आ रहा है लेकिन वर्कआउट करने में, हाई इंटेंस वर्कआउट भी करना चाहिए कभी कभी, तभी थोड़ा मजा आता है। आज हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा बाद में। दोस्तों हमने पहला सेट हमारा 60 किलो का, उसमें हमने निकाले 15 रैप। उसके बाद हमने मारा 75 किलो, 75 किलो में निकाले 12। उसके बाद हमने मारा 85 सॉरी हिंदी में बोलता हूँ 85 मारा, 85 में हमने मारे 12 रैप। तो पूरा 100 किलो लगा दिया, पूरा 100 के 100 और 100 के 100 रैप मार के दिखाएंगे आप लोगों को, जितने लगेंगे भाई फैक्ट नहीं है भाई साहब, लगने तो चाहिए। 1 2 3 अभी नहीं, भाई सब ज्यादा रैप तो नहीं, 8 रैप निकले हैं 100 kg के, ठीक ठाक निकले, इतना लग नहीं रहा था 8 रैप निकले गए, मैं तो 5 ही सोच के बैठा था। अच्छा वेट लग रहा है, मजा आ रहा है भाई सब। कौन सा भी रिकॉर्ड फिल आ गया तुम लोगों ने मुझे? पहले एक्सरसाइज हो चुकी है फ्रंट लेग पुल डाउन, सेकेंड एक्सरसाइज लेंगे हम सिटी ड्रॉप। इसमें भी हम पहला ही हमारा वार्म अप सेट ही है, 4 सेट लेंगे इसके, पहला सेट हम अपना वार्म अप लेंगे, इसके हम रेपिटेशन निकालेंगे 15 कम से कम 15
भाई सब वार्म अप सेट में ही फट गई मेरी तो 15 रैप निकाले वार्म अप सेट में। इसके बाद हम इसमें 10 kg वेट बढ़ाएंगे अच्छा सेट निकालने के लिए। लास्ट तक जाएंगे 100 kg तक। और ये हमारा सेकंड सेट है भाई। इसमें कैसे सपोर्ट देगा, तो सपोर्ट कैसे देगा भाई। तो भाई आज हमारे ट्रेनर है पिंकू भाई, तो हमारा जो भी पोस्चर गलत होएगा वो पिंकू भाई हमारा ठीक कराएंगे। ठीक है भाई, फोर फाइव सेवन एट नाइन बस। तो भाई पिंकू भाई की मोटिवेशन से हमने 15 रैप निकाल दिए, तो भाई आगे भी हमारे साथ पिंकू भाई रहेंगे तो आगे भी हम 15 रैप निकाल पाएंगे। बैक का पोज लो भाई, टी शर्ट उतार के भाई लास्ट में पोजिंग दिखाएंगे। ठीक है भाई, भाई की तरफ कैमरा करो एक बार। हमारे पिंकू भाई जानते ही होंगे भाई को, ट्राइसेप देखो बाइसेप देखो, जिसके हमने 3 सेट कर चुके हैं। अभी लास्ट सेट है, लास्ट सेट में भी देखते कितने रैप निकलेंगे। इसमें मुझसे ज्यादा वेट लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी औकात से बाहर वेट लगा ही दिया है और उस हिसाब से देखते रैप कितने निकलेंगे। 10 रैप निकले भाई साहब, पूरे बॉडी में गर्मी आ गई। इसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सीटी ड्रॉ 4 सेट। इतना भाई सब बड़ा भाई सर, भाई मात्र 5 मिनट में बनवा दूंगा। 5 मिनट क्या करना पड़ेगा ऐसा क्या भाई, वो सिर्फ मैं आपको अकेले में बता सकता हूँ। वीडियो चल रही है ये सब भाई, सारी यूट्यूब फैमिली सुन लेगी मेरी। 5 मिनट में भाई सब कैसे बनेगा, कोई नहीं, मैं आपको अकेले में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट है, लास्ट 50 kg से हम इसको कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओहो। तो दोस्तों फाइनली हमारा वर्कआउट हो चुका है खत्म। वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं आपको एक आखिरी में कुछ बात बताने वाला हूँ। बाकी हमारी जिम देख रहे होंगे आप, हमारे नहीं, मिस्टर आदित्य राज इस जिम के ओनर है और इस जिम के हम है ट्रेनर। तो दोस्तों ठीक है ना, तो जिम का रिनोवेशन चल रहा है, बाकी जिम देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। तो ऐसी लग्जरी जिम पूरे मैपालपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो भाई साहब जल्द से जल्द आ जाओ और एडमिशन ले लो। ठीक है ना, 27, 28 और 29 को जिम बंद रहेगी। थोड़ा सा फ्लोरिंग वगैरह का काम रहेगा, फ्लोरिंग के काम के बाद ही हम दोबारा रीओपनिंग करेंगे जिम 1 तारीख को, 1 मार्च को। तो भाई ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेने आओ, अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा साथ को एटमोसफेयर मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, सब चीज अच्छी मिलेगी आपको। जल्द से जल्द आओ और एडमिशन लो। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्त तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दो।